हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। ओला, उबर व रैपिडो की ऑटो सेवाएं बेंगलुरु में अवैध हुई घोषित, बंद करने का मिला है आदेश। जी हां, कर्नाटक परिवहन विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स की ऑटो सेवाओं को बेंगलुरु में अवैध घोषित करते हुए बंद करने के आदेश दिए हैं। एग्रीगेटर्स द्वारा ऑटो से 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 100 रुपए वसूलने की शिकायतों के बाद ये आदेश दिया गया है। बता दें कि नोटिस में कहा गया है कि 3 दिनों में अवैध ऑटो रिक्शा परिचालन को लेकर स्पष्टीकरण दे। ईडी की रेड पर केजरीवाल ने कहा, सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने में लगे हैं 300 से ज्यादा अधिकारी। जी हां, दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 3 महीने से सीबीआई ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ किया नहीं, अपनी राजनीति के लिए अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। लियोनेल मेसी ने कहा, 2022 का फीफा विश्व कप निश्चित रूप से मेरा अंतिम विश्व कप होगा। जी हां, 7 बार बैलन डोर पुरस्कार जीतने वाले लियोनेल मेसी ने कहा है कि आगामी 2022 फीफा वर्ल्ड कप निश्चित रूप से उनका आखिरी विश्व कप होगा। मेसी ने कहा कि मैं विश्व कप के लिए बचे दिन गिन रहा हूं, एक ही वक्त पर व्याकुलता और उत्साह दोनों है। सोचता हूं यह कैसा होगा, मैं इसका इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। रामायण के इस्लामीकरण पर आदि पुरुष डायरेक्टर को नोटिस, कहा 7 दिन में माफी मांगो। जी हां, फिल्म आदि पुरुष पर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म में सैफ अली खान के लुक्स को लेकर काफी आपत्तियां उठाई जा रही हैं। अब सर्व ब्राह्मण महासभा ने डायरेक्टर ओम रावत को नोटिस भेजा है। बता दें कि जिसमें 7 दिन के अंदर फिल्म से विवादित सीन हटाने और माफी मांगने की मांग की गई है, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने सीजीआई यूयू ललित से रिटायरमेंट के पहले उनके उत्तराधिकारी का मांगा नाम। जी हां, केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित से अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने को कहा है, जैसा कि वह 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश को नामित करने की स्थापित प्रथा के अनुसार न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को भारत का 50वां सीजीआई नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार। जी हां, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्था देख रहे हैं जो कि कर्नाटक से होकर गुजर रही है। वह गुरुवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ यात्रा में चले थे। दिल्ली शराब नीति मामले में बिजनेसमैन विजय नायर को कस्टडी में लेगा ईडी। जी हां, दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नागर को हिरासत में लेगा। नायर को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि अब ईडी भी नायर को हिरासत में लेने की तैयारी में है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।